अस्सलाम वालेकुम। बेसिक केमिस्ट्री में आज की टॉपिक है आयन। व्हाट इज़ एन आयन? आज हम डिस्कस करेंगे आयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन आयन की क्या है। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एटम आर मॉलिक्यूल विच इज़ पॉजिटिवली आर नेगेटिवली चार्ज इज़ कॉल्ड आयन। एक आयन चार्ज पार्टिकल को कहते हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, उसे आयन कहते हैं। एग्जांपल क्लोराइड, सोडियम एंड कैल्शियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, कैटाइन एंड एनायन। कैटाइन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन कैरीज नेगेटिव चार्ज। सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इन दिस वे सोडियम आयन इज प्रोड्यूस एंड क्लोराइड गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम क्लोराइड आयन। सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज एयर गेन करने के बाद आयन्स बनते हैं। नाउ डिस्कस द पॉजिटिव आयन, जिसे कैटाइन भी कहते हैं। कैटाइन क्या होता है? द टाइप ऑफ आयन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन आर कैटाइन। व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कैटाइन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। जैसे सिल्वर आयन, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन। Here a question arises, why positive ion is called cation? Positive ion को cation क्यों कहते हैं? Positive ion is attracted towards cathode in electrolysis. Electrolysis के दौरान एक electrolytic cell में cathode होता है, जिसके ऊपर negative charge होती है, और cation move होकर उसके तरफ आते हैं जिनके ऊपर। इस तरह से जो cation word बना, cat plus ion is equal to cation, means कैटाइन में से केट हमने कैथोड में से लिया, और आयन जो मूव होकर कैथोड की तरफ आते हैं, उन आयन्स को हम आपस में लाएंगे, तो केट प्लस आयन इज इक्वल टू कैटाइन। नाउ डिस्कस दी नेगेटिव आयन, जिसे एनायन भी कहते हैं। व्हाट इज नेगेटिव आयन? द टाइप ऑफ आयन विच हैज़ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आयन आर एनायन। व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट चेंज इनटू आयन, दैट इज नोन एज एनायन, मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन। For example, chloride ion, bromide ion and iodide ions. Another question arises, why negative ion is called anion? Negative ion को anion क्यों कहते हैं? Because electrolysis के दौरान electrolytic pot में एक anode होता है, उसके ऊपर positive charge होती है, और anion जो होते हैं negative charge होते हैं, जो उसके तरफ होकर आते हैं। इसीलिए anion word जो बना, n plus ion, n हमने लिया anode से, और ion जो उसके पास move होकर आता है, इसीलिए हम एक word बनाया हमने एन आयन, एनायन, और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है और कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। नाउ डिस्कस दिस सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। आयन किस तरह से बनते हैं? एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन, इन दिस वे सोडियम आयन एंड क्लोराइन आयन इज फॉर्म। इन अदर एग्जाम्पल, वेन सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर, इट डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। एक और एग्जांपल हमारे पास है एसिड और बेस का। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये इसमें से हमें हासिल होंगे हाइड्रोजन आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। इन दिस वे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो सोडियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, और इस तरह से हमें आयन्स मिलेंगे। सी द लिस्ट ऑफ आयन्स। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन्स, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, क्यूपरस, क्यूपरिक, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरी। अनदर लिस्ट इज लिस्ट ऑफ नेगेटिव मोनोएटॉमिक आयन्स, परऑक्साइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड एंड कार्बाइड। मोनोएटॉमिक आयन्स नेगेटिव जो होते हैं, उनके आखिर में नाम में तब्दीली होती है IDE के साथ। लिस्ट ऑफ नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन्स, नेम हाइड्रोक्साइड्स, बायसल्फेट, बायकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, क्लोरेट, ऑक्सिलेट, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट।